जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड में अभी सरकार के अंदर जो पार्टी है, मुख्य पार्टी है जेएमएम, उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई विधायक नाराज चल रहे हैं और गवर्नर को ज्ञापन भी दे चुके हैं। वजह है 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन सभी मुद्दों पर राजद का क्या पक्ष है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राजद सरकार में शामिल मुख्य घटक पार्टी है। हमारे साथ आज बात करेंगे राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, बताएंगे कि ये जो राजद अभी क्या सोचती है, क्योंकि झारखंड में जो सरकार है जेएमएम में, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो आपका भी जोहार। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ये सरकार चल रही है और हम समझते हैं कि इन सब मुद्दों पर, चाहे वह स्थानीय का मुद्दा हो या और जो समस्या है सरकार के, जिसके लोग आंदोलित हैं, पक्ष विपक्ष में आवाज़ उठते रहा, तो सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके इसमें सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार को बनाने में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी है और सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे कि जो नाराज विधायक हैं, लोबिन हमरम जी हैं, सीता सुरन जी हैं, उनके जैसे कई विधायक 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात करते हुए अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, तो राजद इन विषयों पर क्या सोचता है? सरकार को अलायंस पार्टी के साथ बैठ कर के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए और इसको समय समय पर बैठक होनी चाहिए और सबका राय विचार में विमर्श करके इन मुद्दों को समाप्त, जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। और जो वरीय सरकार में एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे भी सरकार को राय मशविरा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तानाशाही रवैये से सरकार नहीं चलती है, आपस में फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सभी को मान सम्मान देते हुए सब लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना योगदान, अहम भूमिका निभाया है। इसलिए किसी पार्टी को, जो अलायंस लोग हैं, उनको ये महसूस नहीं हो कि हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें हेमंत, माननीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पहल करना चाहिए। ये तो हो गई सरकार, गठबंधन और दूसरे विषयों की बात। अब बात करते हैं आपके पार्टी के अंदर खाने की बात। अभी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले संगठन विस्तार और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था, सदस्यता अभियान, उसकी क्या स्थिति है? अभी सदस्यता अभियान हमारे पार्टी का सभी जिलों में चल रहा है और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बूथ स्तर तक जाकर के, प्रखंडों में जाकर के, पंचायतों में जाकर के, और इस कार्यक्रम को, सदस्यता अभियान को गति देने में काफ़ी उत्साहित हैं और ये कार्यक्रम काफ़ी तेज गति से चल रहा है। हम समझते हैं कि निर्धारित समय में हम लोगों का जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। वैसे तो सदस्यता अभियान हमारा चुनाव बाद भी कंटिन्यू चलता रहेगा। आपके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो संतुष्ट नहीं थे, क्यों? जब 20 सूत्री और 15 सूत्री कार्यक्रमों की जब बंटवारा हो रहा था, तो आप लोगों के पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा था, तो क्या वो इसका असर देखा जा रहा है इसमें? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार को कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके और इसको, इसमें पहल करना चाहिए ताकि कोई पार्टी उपेक्षित महसूस नहीं करे। गठबंधन की सरकार चलती है तो सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और हेमंत सोरेन जी को इसमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने इस सरकार को महागठबंधन बना करके सरकार को बनाने का काम किया है और हेमंत सोरेन जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं,
कम समय में अच्छा काम किए हैं और उनके अच्छे कामों को देख करके जनता ने प्रभावित होकर के इस गठबंधन को सरकार बनाने का काम किया, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो ये हेमंत सोरेन जी को लोकप्रिय होने का अवसर है जनता के बीच में, और सबको साथ लेकर के चलने से, सबका राय लेने से हेमंत सोरेन जी के सेहत ठीक रहेगा। एक और बात है, पर्व त्यौहार का मौसम है, अभी सरहुल है, रामनवमी भी आने वाला है, और आम तौर पर राजद को बिहारी मूल का पार्टी माना जाता है, बाहरी पार्टी माना जाता है, तो यहाँ के पर्व त्योहारों भाषा संस्कृति के कितना करीब मानती है राजद? देखिए, थोड़ा सा आपका जवाब अटपटा हमको लगा, सवाल आपका अटपटा लगा कि राजद बाहर की पार्टी है, बिहार मूल की पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि नहीं, हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी। अच्छा। हमको एक राज्य में कम वोट मिला तो हम स्टेट पार्टी हो गए, लेकिन हम भी राष्ट्रीय पार्टी रहे हैं, और पहले तो सभी पार्टी बिहार में थी, राज बंटवारा हुआ तब अलग हुआ। हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवाद विचारधारा की पार्टी है, सेकुलर फ्रंट की पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी भारत के सेकुलर फ्रंट के सबसे बड़े लीडर हैं, सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा लीडर हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी में हमारी पार्टी को जोड़ना थोड़ा अटपटा जैसा लगता है। सरहुल जैसे पर्व त्योहारों को कितना करीब मानती है राजद? सरहुल हो या रामनवमी हो या आपका अभी रमजान का त्यौहार हो, ये झारखंड का परंपरागत त्यौहार है, और हम लोग सब झारखंडी हैं, इसलिए इस त्यौहार को हम लोग खुशी खुशी से मनाते हैं, चाहे रामनवमी हो या रमजान हो। हमारा सभी त्यौहार एक दूसरे का पूरक है, इसलिए हम इस राज्य की जनता से अपील करते हैं आप सब लोगों के माध्यम से कि सभी त्यौहार, सरहुल हो, रामनवमी हो या रमजान हो, सबको ये बहुत खुशी का अवसर है जब सब त्यौहार इसी महीने में है, सब लोगों को मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाना चाहिए, और सभी त्यौहार, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी त्यौहार नफरत का संदेश नहीं देता है, ये एकता और भाईचारा का संदेश देता है, तो हम लोग सब मिल करके एक साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। त्यौहारों के इस महीने में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि राजद के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनके सेहत के लिए आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? हम अपने नेता आ रहे हैं लालू प्रसाद जी को इस त्यौहार के अवसर पर और इस राज्य की जनता से मैं अल्लाह से, भगवान से मैं दुआ करता हूँ, उनके सेहत को स्वस्थ रख, उनको स्वस्थ रखें, और वो हम लोगों को सदैव मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे राजद के झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी से, और इन्होंने बताया कि लालू जी जो अभी उनकी सेहत खराब रहती है, और ये जो अप्रैल का महीना है, सरहुल, रामनवमी, रमजान का महीना है, पाक महीना है, तो ऐसे में ये लोग सभी कोई प्रार्थना करेंगे कि उनकी सेहत अच्छी रहे, लंबी उम्र हो। इसी तरह के खास इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।